हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे नथिंग गोल्ड कैन स्टे, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सो पोएट कह रहे हैं, नेचर में जो पहली पत्ती आती है वो गोल्डन कलर की होती है, और जैसे ही स्प्रिंग का वेदर आता है उसमें क्या होता है, उसमें जो भी कलियां निकलती हैं वो गोल्डन कलर की दिखाई देती हैं। और ये जो गोल्डन कलर है ना, जब दिखाई देता है तो ये कलर सबसे जल्दी गायब हो जाता है नेचर से, इसलिए इस कलर को रोक कर रखना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये गोल्डन कलर ग्रीन कलर में बहुत जल्दी बदल जाता है। और पेड़ों पर जो न्यू पत्तियां आती हैं, नई पत्तियां आती हैं, वो ना एक फ्लावर की तरह ब्लॉसम करती हैं, यानी खिलती हैं, फ्लावर की तरह खिलती हैं। मगर ऐसा कुछ ही टाइम के लिए होता है, क्योंकि ये जो फ्लावर है ना वो गायब हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं। और उसी जगह क्या होता है, वहाँ पर एक अच्छी सी खूबसूरत सी पत्ती आ जाती है, और फिर वो पत्तों में बदल जाती है। और फिर क्या होता है, आखिर जमीन पर ये झड़कर गिर जाती है। ये जो पत्ते निकलते हैं ना, वो पहले खिले रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, पर लास्ट में क्या होता है कि वो भी ज़मीन पर झड़कर गिर जाते हैं। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं, उसी तरह जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स पैराडाइज की ईडन गार्डन से नीचे गिर गए थे जब गॉड ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया था और अर्थ पर फेंक दिया था। अब पोएट कह रहे हैं, और कोई भी चीज़ एक ही टाइम में रुकी नहीं रहती, सब कुछ बदलता रहता है, नेचर भी उसी का हिस्सा है, क्योंकि नेचर भी बदलता रहता है। कि कैसे उसकी जर्नी अभी आपने पढ़ी, कि पहले छोटा सा कली खिलती है जो गोल्डन कलर की होती है, फिर वो गोल्डन कलर जाता रहता है, फिर वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, फिर वो ब्लॉसम करती है, मतलब वो खिलती है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो झड़कर नीचे गिर जाती है, फिर उसी जगह में एक नई पत्ती खिलती है। तो वो भी क्या होता है, कुछ दिनों तक तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, पर वो भी गिर जाता है ज़मीन पर झड़कर। तो टाइम के साथ सब कुछ बदलता रहता है। पोएट कह रहे हैं, कुछ भी हमेशा के लिए गोल्डन नहीं रह सकता है, और कुछ भी हमेशा के लिए ब्यूटीफुल, प्योर और बहुत अच्छा नहीं रह सकता है। हर चीज में बदलाव आता है और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और यहीं पे ये पोयम फिनिश होती है। सो इस पोयम में पोएट ने नेचर के बारे में बताया है कि कैसे टाइम के साथ सब कुछ बदल जाता है, ऐसे ही ह्यूमन भी बदलते हैं और नेचर भी बदलता है। नेचर भी टाइम के कंट्रोल में है और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।